सो गाइज, ये है होंडा SP125 और ये अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो यही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा SP खरीदने का प्लान कर रहे हो तो कंपनी आपको क्या क्या ऑफर कर देती है, बाकी इसका माइलेज कितना है और प्राइस कितना है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फाइनेंस कराने के मूड में हो तो होंडा SP125 अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट आपको देना पड़ सकता है वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें कंपनी ने क्या क्या आपको ऑफर कर रखा है उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, एक स्टाइलिश लुक के साथ होंडा SP इस वक्त मार्केट में छाई हुई है और माइलेज भी आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट साइड में इसका जो हेडलाइट है उसको हम चेक करेंगे, तो इसको यहाँ से की ऑन करने के बाद इसका जो हेडलाइट आप देखोगे LED में आपको इसमें हेडलाइट मिल जाता है, और LED हेडलाइट बेसिकली जितनी भी आती है उसमें आपको लाइटनिंग का इशू रात में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। LED हेडलाइट आपको इसमें मिल जाएगी, और उसी के साथ इसका टर्निंग सिग्नल जो है आपको मैंने बता दिया है बल्ब में है, तो इसमें आपको बल्ब में इसका टर्निंग सिग्नल मिल जाता है। फ्लेक्सिबल नहीं है तो चलाते वक्त आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रंट साइड में आपको इसमें ग्लॉसी फिनिश पर इसका फेंडर मिल जाता है, और इस गाड़ी के पूरी बॉडी के ऊपर हम बात करें तो दो तीन कलर का यूज़ किया गया है। पहला रेड दिख जाएगा, वाइट दिख जाएगा और ब्लैक, दो तीन कलर कॉम्बिनेशन पर ये पूरी गाड़ी है। और स्टिकर वगैरह की बात करें तो यहाँ पर साइड कॉल पे यहाँ पर होंडा की लोगो मिल जाती है क्रोम की फिनिशिंग के साथ। फ्यूल टैंक पे यहाँ पर बेहतरीन सा यहाँ पर आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साइड पैनल पे SP125 की एक स्टिकर मिल जाती है। बाकी रियर साइड यहाँ पर कुछ स्टिकर देखने को मिलेगा, और जिस तरह से इसके फ्यूल टैंक वगैरह पे कलर दे रखी है कंपनी ने वही कलर ग्रैब रेल पर देखने को मिलेगा, और सेम जो उस साइड आपने स्टिकर देखी है वही स्टिकर आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। सो ये है इसका कुछ ग्राफिक्स का कंसोल। अब हम बात करते हैं इसके मीटर में, तो मीटर आपको इसका की ऑन कर लेते हैं तो मीटर में आप देखोगे डिजिटल मीटर मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूल एम्प्टी लो का सिंबल शो होकर के आएगा, यहाँ से आप देख पाओगे कितना है। ऊपर की तरफ इंजन चेकआउट, यहाँ पर आपको न्यूट्रल, और बीच में स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको टाइम वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर किलोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर शो करके आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी न्यूट्रल में है तो N बन करके आ रहा है। उसी के साथ मीटर को सेट करने के लिए दोनों साइड में आप देखोगे बटन अटैच है, इसको प्रेस करेंगे तो अभी आप देखोगे ट्रिप B पर है, फाइनल अभी देखोगे इसका ऑटो आ गया, एक बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ट्रिप A दिखाएगा, आप देखोगे ट्रिप B, अब इसका फाइनल ऑटो। तो डिजिटल मीटर आपको इसमें मिल जाता है, और राइट साइड में भी मीटर के बटन है। अब इसके बात कर लेते हैं हम हैंडल वगैरह में, तो कंपनी आपको हैंडल में सबसे पहले इसका पासिंग लाइट यहाँ पर स्विच देखने को मिलेगा, इसकी पासिंग लाइट जो देख रहे हो ये भी आपको LED में मिल जाती है, और फ्रंट साइड का पूरा सेटअप आपको इसमें LED मिलने वाला है। यहाँ पर टर्निंग सिग्नल्स बटन आपको मिल जाता है, इसमें हेजार्ड लाइट वगैरह नहीं मिलेगा, और यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है इसका, ये हॉर्न है इसका। राइट साइड की बटन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है साइलेंट स्टार्ट बटन आपको राइट साइड में मिल जाएगा, तो अब लगे हाथ इसका हम एक बार एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं, इसको हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये थी इसकी एग्जॉस्ट साउंड। तो अब इसकी हम बात करें इंजन की, इसमें आपको 4 स्ट्रोक के साथ एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है, SI इंजन आपको इसमें मिलता है, सिंगल सिलेंडर के साथ इसकी इंजन आती है, और साथ में यहाँ पर आप देखोगे इसमें कंपनी किक भी देने वाली है। मैक्सिमम पावर की बात कर लें तो 10.87 PS का मैक्सिमम पावर SP125 में है, और मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें तो 10.9 Nm मैक्सिमम टॉर्क आपको SP125 में मिलता है। साथ में ये माइलेज तो देती ही है, उसी के साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा निकाल करके देगी। सिटी और विलेज दोनों एरिया में आप इस गाड़ी को चला सकते हो। इनहेंस स्मार्ट पावर आपको इसमें मिल जाता है। इंजन के ऊपर यहाँ पर देखोगे मेरे हिसाब से यहाँ पर इंजन काउल होना चाहिए था, रेड कलर की फिनिशिंग के साथ व्हाइट कलर की स्टिकर के साथ साइड पैनल आ जाती है, दोनों साइड आपको फ्यूल टैंक पे साइड कॉल मिल जाती है। फ्यूल टैंक जो इसका आप देख रहे हो 11.2 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि E20 को सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखोगे E20 का स्टिकर मिल जाता है। और बात आती है फ्यूल की, तो माइलेज के बारे में लोग सोचते हैं होंडा SP125 में माइलेज 60 कंपनी क्लेम करती है, बाकी जिस तरह से आप चलाओगे
उतना आपको माइलेज इसमें देखने को मिल सकता है। और कंपनी इसमें आपको व्हील्स की अगर हम बात कर लें, निफिन का कैलिपर मिल जाता है, 3.5 mm थिक आपको इसमें डिस्क प्लेट मिल जाता है, एलॉयज कंपनी ऑफर कर देती है, ट्यूबलेस टायर है और 80 सेक्शन का इसमें टायर मिल जाता है और एलॉयज के साथ इसकी टायर आती है। फ्रंट साइड का फेंडर आपको डुअल टोन पर देखने को मिलेगी और उसी के साथ इसमें आपको सस्पेंशन वगैरह जो देख रही है, इसमें आपको लार्ज सस्पेंशन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे रियर साइड, तो रियर साइड आप देखोगे इसमें 100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, उसी के साथ रियर साइड आपको स्प्रिंग बोर्ड में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, रेड कलर की यहाँ पे स्प्रिंग दे रखी है, एलॉयज कंपनी रियर साइड भी दे देती है और ये डिस्क टू ड्रम वेरिएंट है, तो रियर साइड आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और इसकी स्विंग आर्म जो देख रहे हो यहाँ पर पतली सी यहाँ पर चौड़ी सी यहाँ पर स्विंग आर्म मिल जाती है। बाकी यहाँ पर चेन वगैरह जो देख रहे हो, चेन कवर इसमें अटैच है और यहाँ पर आप देखोगे पिलियंस के लिए फुट रेस्ट मिल जाता है फोल्डेबल और यहाँ पर राइडर्स का फुट रेस्ट दे रखा है। और दूसरी साइड आप देखोगे यहाँ पे वुमेंस पिलियंस के लिए यहाँ पर सारी गार्ड पहले से लगी हुई है और फुट रेस्ट भी यहाँ पर अटैच है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वुमेंस पिलियंस को। और 5 गियर स्पीड के साथ होंडा SP125 आती है, यहाँ पर साइड स्टैंड मिल जाएगा, उसी के साथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा, मेन स्टैंड भी आपको इसमें मिल जाएगा। रियर साइड टेल की बात करें तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर पहली बात तो ग्रैब रेल आपको मिल जाएगी और इसकी जो टेल देख रहे हो ये आपको बल्ब में देखने को मिलेगा, उसी के साथ यहाँ पर टर्निंग सिग्नल्स भी आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी एक बल्ब ऑफर कर देती है नंबर प्लेट पे लाइटनिंग के लिए। इसकी टेल जो देख रहे हो फाइबर की फिनिश के साथ आती है, बाकी रिफ्लेक्टर इसमें ऐड ऑन है। सो ये है रियर साइड का कुछ टेल का सेटअप। अब SP शाइन की अगर हम ग्राउंड क्लियरनेस की बात करें, ये देखो नीचे से कितना ज़्यादा गैप है, ग्राउंड का गैप यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाएगा, 160 mm इसकी ग्राउंड क्लियरनेस है। बात आ जाती है सीट की, तो सीट तो ये फैमिली पैकेज बाइक है तो इसमें आपको सिंगल टाइप सीट मिलता है और सीट की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे राइडर्स भी बैठ जाएंगे आराम से और पिलियंस यहाँ पर देखो काफ़ी वाइड है, ऊपर से आपको मैं दिखा रहा हूँ वाइड इसकी सीट है। बाकी इसकी सीट हाइट जो देख रहे हो 790 mm इसकी सीट हाइट है और यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ थोड़ा बेंड है, तो मतलब अगर आपकी हाइट कम भी है तो आपको गाड़ी चलाने में कोई भी इशू नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल, अगर आपका अच्छा है तो आप इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हो, 20 से 25 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट दे करके आप SP 2024 मॉडल को घर ले जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो JP होंडा सरफराजगंज लखनऊ में एक्स शोरूम प्राइस आपको 90,293 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, थैंक यू।